हेलो गाइस, मैं अनुज शुक्ला। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ पर अनुज शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 की आर डी शर्मा का चैप्टर 1 सेट थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में बहुत सारी जानकारी ले लिया है। हमने हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ा है। हमने वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स देखे जो हमारे क्वेश्चन को, हमारे सॉल्यूशन को और हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी बनाते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुराने वीडियो देखने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन हम बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन ऐसा है जो बच्चों को क्लियर नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करना, इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना वो ज़्यादा ईजी लगता है बच्चों को। लेकिन जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल चलने लगते हैं, जहाँ पर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से इंटरेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, वहाँ भी बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। तो मैं इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फोकस होकर पढ़िएगा। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको पूरा समझा के मानूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पढ़ने वाले 1.6 का इंट्रोडक्शन। तो हमारा इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो क्या है, लॉस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। हम अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी नोटबुक लेके, अपनी आरडी शर्मा लेके आप बैठ जाइए और हम अपना टॉपिक वन कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक नाम पे क्या है, एडोपोटेंट लॉ थ्योरम नंबर 1 है। अब मेरी बात सुनो, ये थ्योरम हमारी कहती क्या है, ये लॉ हमारा कहता क्या है। ये लॉ कहता है हमारा कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। फिर हम तो चीजें आपको याद करने वाली, लेकिन पहले समझना है, फिर उसके बाद याद करना है। तो जरा देखते हैं, हम इसको दो तरीके समझेंगे, ठीक है ना। चलो पहला तरीका समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या है, ए यूनियन ए। सपोज दैट एक सेट हमारे पास में ए है, कोई भी है, कुछ भी ले लेते हैं, हम ले लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसका यूनियन उसी के साथ बन रहा है, किसी सेट का यूनियन उस सेट के साथ बन रहा है, मतलब कि हम इसका यूनियन बना रहे हैं ए यूनियन ए, मतलब कि हम लिखने वाले हैं 1 2 3 4 का यूनियन किसके साथ में, 1 2 3 4 के साथ में ही ये लिखने वाले हैं। अब जरा एक चीज देखो, जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ है, रिपीट हो रहे हैं, तो इसको तो एक ही बार लिखेंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। पुराने लेक्चर में मैंने बताया है यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में डिटेल से। तो ए यूनियन ए क्या आ गया, ये आ गया, और ये किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है, मतलब कि ये जो हमारा लॉ है ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होता है, कैसे होता है, जरा देखो, सेट ए गिवन है ना, सेट ए का इंटरसेक्शन उसी के साथ, तो सेट ए के नीचे सेट ए लिखते हैं 1 2 3 4। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, 1 2 3 4 के साथ में ही निकालना है। तो इंटरसेक्शन में हम एलिमेंट्स कौन से लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो आपने देखा जो सेट यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, मतलब सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है, कॉमन है। जब सारे एलिमेंट्स कॉमन है तो उनको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, ये आ गया। और ये किसके इक्वल हो गया, देखो ये पूरा पूरा सेट ए निकल के आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट था समझने का। अब इसको हम एक कुछ वर्ड के फॉर्म में समझते हैं, कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में समझते हैं, और इसको कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है, बहुत ध्यान समझना। अगर सपोज दैट हमने कोई एक एलिमेंट लिया, बहुत ध्यान सुनना, मैं बहुत सिंपल वर्डिंग का यूज करने वाला हूँ, ज्यादा मैं तो आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, तो इसीलिए जब सिंपल वर्डिंग है तो बहुत सिंपल तरीके से समझ लेंगे। देखो मैंने क्या बोला कि मैंने एक एलिमेंट एक्स लिया, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में, इसमें बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में, इसे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स, बहुत ध्यान समझना, एक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग कर रहा है a में, यही बात है ना। मैं लास्ट वाले लेक्चर में समझाया हूँ, और एंड का यूज, तो देखो जहाँ पे हम श्योर नहीं है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, और जहाँ पे हम श्योर है वहाँ पे हमेशा एंड का यूज करते हैं। देखो कह रहा है x बिलोंग कर रहा है a यूनियन a में, तो यूनियन मतलब कि दोनों सेट के यूनियन है, या तो x a में बिलोंग करेगा या तो x a में बिलोंग करेगा। अब एक बात सुनना, तो हम दोनों में श्योर नहीं है किसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने लिखा है x या तो a में बिलोंग करेगा या तो सेट x a में बिलोंग करेगा। अब दूसरी बात सुनना मेरी, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि a यहाँ भी है a यहाँ भी है, तो इसको सीधा सीधा हम ये लिख सकते हैं ना कि x बिलोंग टू a, लिख सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग कर, अब देखो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा था a यूनियन a में और x बिलोंग कर रहा a में, इसका मतलब हो गया कि a यूनियन a जो है वो a के इक्वल हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। अब दूसरे पार्ट का प्रूफ देखते हैं। सुना, इसके लिए इसका प्रूफ क्या हो जाएगा,
इसका प्रूफ ये कह रहा है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन a में। हमने x कोई भी एलिमेंट ले लिया, अब हमने बोला कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन a में, तो इंटरसेक्शन वाला रीजन क्या होता है, यहाँ होता है ना जो दोनों में कॉमन होता है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x इसमें भी बिलोंग कर रहा है और x इसमें भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है। तो इसमें लिखोगे आप x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू a, एंड क्यों यूज किया, क्योंकि हम श्योर हैं कि जो x है वो यही पे है जो हमारा ये वाला सेटेड रीजन है, और ये कौन सा है, इस a और इस a का दोनों का रीजन है, मतलब कि ये जो x है वो दोनों में बिलोंग कर रहा है, इस चीज को लेके श्योर है, कंफर्म है, हम कंफर्म है तो एंड यूज करेंगे। अब हम देख रहे दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं ना कि x कहां बिलोंग कर रहा है, सिर्फ a में बिलोंग कर रहा है, ये तो है, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू a के दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन a में, अब x बिलोंग कर रहा है a में, तो इसका मतलब ये हो गया x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन a में और x बिलोंग कर रहा है a में, इसका मतलब ये हो गया कि जो a इंटरसेक्शन a है इट विल बी इक्वल टू a, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा a के इक्वल हो जाएगा। तो पहला लॉ आपका इंपॉर्टेंट लॉ, हम उम्मीद करते हैं इसमें कुछ था नहीं और ये बहुत इजी था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सेकंड लॉ की। अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ क्या बोल रहा है कि अगर किसी सेट का यूनियन निकलते हैं फाई के साथ में तो हमारा वही सेट निकल के आता है। चलो देखते हैं कैसे, पहले एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक सेट ए ले लिया, मैंने ले लिया ए बी सी और डी, और फाई क्या है, फाई नथिंग, फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, और जब हम ए यूनियन फाई निकालेंगे तो फिर से हमारा वही सेट ए निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए बी सी और डी निकल के आ जाएगा, मतलब कि ए यूनियन फाई जो है इक्वल टू ए हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर है, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, जब एलिमेंट नहीं है तो वही सेट निकल के आ जाएगा और वही सेट इक्वल टू ए यूनियन फाई इक्वल टू ए हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी लॉ कहता है। अब जरा इसको और एंड के फॉर्म में भी देख लेते हैं, जो हमारी कंफ्यूजन उसको दूर कर लेते हैं। तो मेरी बात सुनना, इसका हम प्रूफ दे रहे हैं। इसका प्रूफ क्या हो गया, हमने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट x है जो बिलोंग कर रहा है a यूनियन फाई में। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a यूनियन फाई में। यूनियन में क्या होता है, हम श्योर नहीं होते ना इसमें बिलोंग कर रहा है कि उसमें बिलोंग कर रहा है, तो जब हम श्योर नहीं है तो हम लिखेंगे x बिलोंग टू a। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि या तो x a में बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग टू फाई, और वैल्यू समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे जब यूनियन लगा होगा, जहाँ पे हम श्योर नहीं होंगे वहाँ पे और वैल्यूज करेंगे। अब देखो क्या x फाई में बिलोंग करेगा, x में तो कोई एलिमेंट है नहीं तो इसमें तो बिलोंग करेगा नहीं, तो इसका मतलब फाइनली ये हो गया कि x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, a में। अब जरा देखो पहले x कहाँ बिलोंग कर रहा था, पहले बिलोंग कर रहा था a यूनियन फाई में, अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में, मतलब ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया, क्योंकि दोनों के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये हमारा इंप्लाई करता है कि जो a यूनियन फाई है इट विल बी इक्वल टू a। ये छोटे से प्रूफ है, इनको बस समझना है, समझ के उसको भूल जाना है। और कंडीशन क्या याद रखना है, कंडीशन हमें ये याद रखना है कि a यूनियन फाई इज इक्वल टू a होता है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट हमारा बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू a। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने किसका सेट ले लिया, हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हमने एक सेट a ले लिया, सेट a क्या ले लिया, हमने ले लिया सेट ऑफ इवन नंबर। बात को ध्यान सुनना, सेट ऑफ इवन नंबर। अब हम अगर आपसे बोले कि a इंटरसेक्शन u निकालो, तो जरा डायग्राम बताओगे वन डायग्राम कैसा आएगा, बहुत सिंपल सा है, ये हमारे पूरे नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर के सेट में हमने लिख दिया यहाँ पे इवन नंबर का कलेक्शन, तो ये सेट a हो गया। अब जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट आते हैं ना, तो a और u में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो इवन और ऑड दोनों, यहाँ पे सिर्फ इवन है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है दोनों के, तो इट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मैं आगे बात करता हूँ, एक इसका प्रूफ देता हूँ छोटा सा, ठीक है ना। प्रूफ देखो क्या है, प्रूफ में ये कह रहा है कि हमने एक एलिमेंट ले लिया x, x किस में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन u में, ये बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन u में बिलोंग कर रहा है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में हम श्योर हैं कि a में भी है और u में भी, और जहां पे श्योर होते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है a में, एंड x जो है वो बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट u में। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो आपको पता है कि जो a है वो पूरा कहाँ, सेट u में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ए में, और अभी हमने देखा कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन यू में और अब एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो दोनों कंडीशन को कंपेयर किया तो हमने देख लिया कि ए इंटरसेक्शन यू जो वैल्यू आएगी वो ए के इक्वल ही आएगी। तो ये सब बिल्कुल बेकार से प्रूफ थे, इसमें कोई दम नहीं थी। अब जो आगे बताने वाले हैं उनको हमको और अच्छे से सीखना पड़ेगा, तो और एंड का यूज उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो पीछे वाला वीडियो भी क्लियर करके देखिए आपने, जो इसके पहले जस्ट मैंने वीडियो अपलोड किया है, और इसको भी ध्यान से देखिए जो अभी तक मैंने यहाँ तक पढ़ाया, तो और एंड तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए थ्योरम नंबर थर्ड पे आते हैं। हमारा क्या कहता है, कॉम्पिटेटिव लॉ हमारा कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। तो चलो इसको देख लेते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल मैच खाएगा, फिर एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लेंगे जो जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं एक सेट ले लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, जिसमें मैंने एक सेट ए लिया, ए बी सी, ये सी है और ये डी हो गया, ठीक है, और फिर एक मैंने सेट बी ले लिया, 1 2 3 ले लिया, ठीक है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुना, हमने ये देखा कि जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी सी डी और 1 2 3 यही निकल के आएगी। अगर हम ये मैंने RHS सॉल्व किया, ठीक है, और जब हम RHS सॉल्व करेंगे तो RHS में क्या है, RHS में बी यूनियन ए है, तो मतलब कि बी यूनियन ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 2 3 ए बी सी और डी, यही वैल्यू निकल के आएगी। तो अब जरा एक ही देखो ना, यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ बी ए बी सी डी, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है, इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के इक्वल हो गया। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझते हैं, चलो इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ में क्या है इसका, अब आप ध्यान सुनना, प्रूफ में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, मैं इधर से लेता हूँ, ठीक है ना, हमने एक एलिमेंट एक्स लिया, वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, कहाँ बिलोंग कर रहा है, पहले पार्ट में एलएचएस में, ए यूनियन बी में। अब यूनियन मतलब क्या होता है कि हम श्योर तो है नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। तो हमने ये माना कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स बिलोंग कर रहा है, सॉरी हम श्योर नहीं है तो हम इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और x बिलोंग कर रहा है b में। यही बात होगी कि x या तो a में बिलोंग करेगा या तो कहाँ बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख दूँ, कैसे उल्टा करके, कि इसको पहले और इसको बाद में करके, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू a, बात वही लिखा है ना मैंने। अब लेकिन यहाँ से कंडीशन बदलेगी क्या, कि x बिलोंग टू b है ना, तो पहले आ जाएगा b और मतलब क्या होता है यूनियन, और फिर आ जाएगा a, तो x बिलोंग टू b यूनियन a। आपने देखा पहले x कहाँ बिलोंग कर रहा था, पहले बिलोंग कर रहा था a यूनियन b में, अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, अब बिलोंग कर रहा है b यूनियन a में, दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो a यूनियन b है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो a यूनियन b है इज द सबसेट ऑफ b यूनियन a, यही है। देखो x यहाँ बिलोंग कर रहा था, x यहाँ, तो इसका एलिमेंट इसमें दिख रहा है ना, तो a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b यूनियन a, और ये भी लिख सकते हैं कि b यूनियन a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b, लिख सकते हैं। देखो b यूनियन a में x एलिमेंट प्रेजेंट था, अब वो x कहाँ प्रेजेंट है, a यूनियन b में, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो उम्मीद करता हूँ कॉम्पिटेटिव लॉ का पहला पार्ट आपको क्लियर होगा, अगर ऐसे नहीं आना तो ऐसे एग्जांपल से भी समझ लेना है, बस आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। अब इसके मतलब ये नहीं कि हमने और एंड बताया तो सब यही समझना है, नहीं आ रहा फिर भी हम लगे पड़े, आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। और मैंने कोई ऐसी चीज बताया थोड़ी नहीं, देखो एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी, मैंने सिंपल से बोला, मैंने बोला जावा की बाइक या तो राम के पास में है या तो जावा की बाइक मोहन के पास में है। अब दोनों में और लगा दिया, जावा की बाइक या तो बिलोंग कर रही राम से और जावा की बाइक बिलोंग कर रही मोहन से, या इसका उल्टा बोल दूं, जावा की बाइक बिलोंग कर रही मोहन से और जावा की बाइक बिलोंग कर रही वो राम से, बात तो वही होगी ना, खाली बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने ए पहले बी बाद में लिखा था, यहाँ मैंने बी पहले ए बाद में लिख दिया, दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है। चलो अब इसके सेकेंड पार्ट को समझते हैं, जो सेकंड पार्ट है वो हमारा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये बिल्कुल यूनियन की तरह है, इसको आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, कुछ नहीं करना है, मैं एक हिंट छोटी सी दे देता हूँ, ठीक है ना। चलो अच्छा मैं थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना, फिर प्रूफ दूंगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में मैंने एक सेट ए ले लिया, मैंने ले लिया ए बी सी और डी ले लिया, एक मैंने सेट बी ले लिया जिसको मैंने दे दिया सी डी ई और एफ दे दिया, ये मेरा एफ है, ठीक है, दो सेट हो गए।
अब मैंने इसका LHS वाला पार्ट निकाला। LHS वाले पार्ट में हमने क्या देखा कि A इंटरसेक्शन B, आपको पता है कि इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स कौन से लेते हैं जो दोनों में क्या होते हैं कॉमन होते हैं। तो जरा देखो A और B में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, CD और CD है ना, तो इट विल बी इक्वल टू C कॉमा D हो गया। हो गया, फिर हम बात करते हैं RHS की। RHS में क्या है, B इंटरसेक्शन A है, तो B इंटरसेक्शन A क्या हो जाएगा, B और A में जो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है तो C और D फिर से कॉमन है, तो ये हमने C और D लिख लिया। तो अब जरा देखो जो LHS के एलिमेंट है वही RHS के एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, दोनों का पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं जो हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट है, तो वो तो बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं, आप अपने आप कर भी सकते हैं, मैं सिर्फ थोड़ी सी हिंट देता हूँ और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो प्रूफ क्या है, अगर हम एक सेट ले लेते हैं एक्स, अब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, मैं पहले एलएचएस वाला पार्ट लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हुए आरएचएस पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने देखा कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब हो गया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। एंड का यूज क्यों किया, क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है ना, तो इस चीज का बार बार ध्यान रखना है। अब अगर इसको मैं ए एक्स एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी लिखूं, या इसको उल्टा करके लिखूं, क्या कि एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू ए, तो क्या दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो यहाँ से ये आ गया कि एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन ए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो जरा पहले एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा था, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा था, अब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी इंटरसेक्शन ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि क्या हो गया कि ये इसका सबसेट हो गया और ये किसका सबसेट हो गया, इसका, तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड बी इंटरसेक्शन ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आपने देखा दोनों आपस में इक्वल हो गए, और दोनों जो आपस में इक्वल हो गए तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि एक दूसरे के सबसेट, तो मतलब इसका मतलब एलिमेंट इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो चलो आगे बात करते हैं, थ्योरम नंबर फोर्थ की बात करते हैं। थ्योरम नंबर फोर का एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, एसोसिएटिव लॉ कह रहा है मेरा कि ए यूनियन बी का पूरे का यूनियन सी के साथ जब निकालेंगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी जो ए यूनियन बी यूनियन सी की आएगी। तो चलो एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करते हैं। अब मैं बार बार एग्जांपल नहीं दूंगा, एग्जांपल आप अपने आप सेट कर सकते हैं, चेक करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे प्रूफ, तो जब हम प्रूफ देखेंगे तो हमने क्या किया, हम हर बार तरह एक्स से कोई एलिमेंट ले लेंगे और इस पार्ट में हम देखेंगे बिलोंग करा देंगे। तो एक्स बिलोंग कहाँ कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। कितना क्लियर हो गया बात, में ध्यान समझना, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी या फिर यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया या तो इसमें बिलोंग कर रहा है या तो इसमें बिलोंग कर रहा है, कारण अब ये मत बोलना या तो ए या तो बी या तो सी, अभी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ये एक सेट हो गया जो ए यूनियन बी हो गया और ये एक अलग सेट हो गया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में और एक्स बिलोंग कर रहा है सी में। और क्यों लगाया मालूम है ना, क्योंकि यूनियन में हम श्योर नहीं होते कि वो एलिमेंट किस जगह पे बैठा हुआ है, क्योंकि यूनियन में पूरा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो सब कुछ में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ए की तरफ था कि बी की तरफ था कि दोनों की यूनियन तरफ था या कहाँ था, ठीक है ना। तो एक्स जो है पहले ए यूनियन बी में बिलोंग किया या फिर एक्स बिलोंग कर रहा है सी में। अब बात को मेरे ध्यान समझो, जब एक्स इसकी बात करूं तो अब यहाँ पे दो सेट हो गए या तो ए या तो बी, तो इसका मतलब हो गया एक्स या तो बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में। बात यही होगी मेरी, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। मैंने सिर्फ इस सेट के लिए लिखा कि एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा या तो सेट कहाँ बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। अब अगली बात, आगे क्या लिखा हुआ है, हमारा आगे लिखा हुआ है कि एक्स या तो बिलोंग करेगा सी में। अब सारे टर्म्स और वाले हो गए हमारे, अब ये मैं बोला सर यही तो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे, वही बात स्टार्टिंग में नहीं है कि सर हम तीनों को अलग अलग कर देंगे, नहीं, हम एक पर्टिकुलर पैटर्न लेके चलेंगे। ये पहले एक सेट हो गया तो पहले एक सेट का मैंने एक्स बिलोंग कराया, ये दूसरा सेट हो गया तो एक्स को दूसरे सेट में बिलोंग कराया, फिर ए यूनियन बी है तो एक्स को पहले ए में बिलोंग कराया, फिर एक्स को हमने बी में बिलोंग कराया, ठीक है ना, अलग अलग। अब इतना हो गया, अब जो हमको प्रूफ करना जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं, हमको बी और सी को एक साथ में लेके आना है, तो हम और बी और सी को क्या क्या कर लेते हैं, एक साथ में लेके आ जाते हैं। तो इसको हमने लिख लिया एक्स बिलोंग टू ए, बात ध्यान देना ए, और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू सी। यहाँ तो उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो आगे, ये हो गया एक्स बिलोंग टू ए ए, और इसको लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी, कर सकता हूँ, क्योंकि और आ गया ना, और में क्या लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं ना, इतनी बात मेरी क्लियर है। अब मेरी बात आगे सुनना,
अब x या तो a में बिलोंग कर रहा है या तो x b यूनियन c में बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ कि x बिलोंग टू a, और मतलब क्या होता है यूनियन, या फिर b यूनियन c में बिलोंग कर रहा है। तो पहले x कहाँ बिलोंग कर रहा था, इसमें बिलोंग कर रहा था, अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, और ये वाला पार्ट ये निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये है कि x इसमें बिलोंग कर रहा है, x यहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो पार्ट है पूरा वो इसका सबसेट है और ये वाला उसका सबसेट है। तो आप लिखोगे a यूनियन b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ये निकल के आ गया। तो अब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, और ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो a, दिस इंप्लाइज दैट कि a यूनियन b union c is a subset of a union b union c, यही आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये जब एक दूसरे के आपस में सबसेट है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो a union b union c is equal to a union b union c। तो उम्मीद करता हूँ थ्योरम नंबर 4 जो कि हमारा एसोसिएटिव लॉ है उसका पहला पार्ट क्लियर होगा, तो सेकंड पार्ट भी बहुत इजी, बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिर्फ वहां पे एंड का यूज हो जाएगा। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी इक्वल आएगी, मतलब दोनों का जो सेट निकल गया है वो इक्वल आएगा। तो देखते हैं कैसे इक्वल आएगा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, अब देखो मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं सीधा एक वेरिएबल एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना, मैं सीधा आपको प्रूफ दे रहा हूँ एग्जाम्पल। अब आप अपने आप सेट कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो मैंने एक सेट एक्स ले लिया, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है। कितनी बात मेरी क्लियर होगी, अब बात को मेरे ध्यान से समझना। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बिलोंग करे, तो अभी हमारे पास सिर्फ दो सेट हैं, एक ए है, दूसरा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। जब तक ब्रैकेट हटेगा नहीं तब तक उसको एक सेट कंसिडर करेंगे। तो हमने उसको ले लिया कि एक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा है, और इंटरसेक्शन में हम श्योर होते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, और इसको ब्रैकेट में हमने लिख लिया। कितनी बात मेरी क्लियर होगी, अगर आप ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, हम एनएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे और आरएचएस को बार बार देखते रहेंगे, उसी को प्रूफ करके लेके आ जाएंगे। तो जरा देखो, एक्स बिलोंग टू ए हो गया, एंड अब जब ब्रैकेट के अंदर गया तो एक्स या तो बिलोंग कर रहा है बी में, या फिर कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है सी में, मतलब एक्स दोनों में बिलोंग कर रहा है, एंड मतलब होता है कि बी में भी और सी में भी, दोनों में वो बिलोंग कर रहा है। तो अब जरा देखो, हमको ए और बी को एक साथ में लेके आना है, तो ए और बी कहाँ, यहाँ है ना, तो इसको बस ब्रैकेट बंद कर लेते हैं अगले स्टेप में, इसमें नहीं अगले स्टेप में, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप वाइज चलेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, अब बस हो गया। अगर x a और b दोनों बिलोंग कर रहा है, मतलब ये है कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, भाई x a और b दोनों में बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि एंड है श्योर है, जब दोनों में बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, एंड ध्यान सुनना, x बिलोंग कर रहा है c में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b एंड ना, तो फिर से इंटरसेक्शन आप कहाँ बिलोंग कर रहा था, c में। तो जरा देखो, x पहले कहाँ बिलोंग कर रहा था, पहले बिलोंग कर रहा था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में, अब कहाँ बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में, मतलब कि ये पूरा इसका सबसेट हो गया और ये पूरा इसका सबसेट हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और ये हम लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो अब जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यहां से हमारा एसोसिएटिव लॉ थ्योरम नंबर 4 क्लियर होती है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत बहुत इजी तरीके से हमने सिखाया है, और हमने क्या सिखाया है कि सिर्फ एंड का यूज कैसे करना है, और फिर बाद में पेयरिंग हमको कैसे कर लेना है, पेयरिंग हमारी डिपेंड करेगी आरएसएस को देखने के बाद में, ठीक है। तो चलो अब थ्योरम नंबर 5 पे आते हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या बोले, थ्योरम नंबर 5 बोले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारा, कह रहा है कि a यूनियन b union c is equal to a union b intersection a union c, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो वैसे तो इसको याद करके रखना है, फिर भी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, फिर से हम एक x एलिमेंट ले लेते हैं, हमारा एक x एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, पहले वाले पार्ट में एल एच एस में बिलोंग कर रहा है, a union b intersection c में बिलोंग कर रहा है, कितना क्लियर हो गया। अब देखो x क्या यूनियन में क्या यूज करते हैं, और का इंटरसेक्शन में क्या यूज करते हैं, एंड, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम श्योर होते हैं और यूनियन में हम श्योर नहीं होते हैं कि एलिमेंट कहाँ इधर उधर भटक रहा होगा, ठीक है ना। मेरी बातों को बहुत डीपली एनालिसिस करना,
तभी उसके बाद ये सब सॉल्व करना, वरना समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सेट थ्योरी का ये पार्ट ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसको समझना है, अच्छे समझना है। देखो और किसी भी चीज़ को मैथ में हल्के मत लेना, क्योंकि आपने क्लास 11 में मैथ लिया है, तो क्लास 11 और 12 आप मैथ पढ़ने वाले, उसके बाद आपकी जिंदगी मैथ 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 होने वाली है। तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, और आपके 11th में ही नहीं, आगे 12th में जाओगे फिर से इनका यूज़ होने वाला है। तो बहुत डेप्थ एनालिसिस करके पढ़ना है। चलो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब हो गया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, यूनियन है ना, तो यूनियन को क्या लिखते हैं और, क्योंकि यूनियन में श्योर नहीं होते हैं। और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी में, ये बात मेरी क्लियर होगी। अब आगे बात ना, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो ये वाला ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं, और एक्स बिलोंग टू बी, अब देखो बात भी समझो, ब्रैकेट है, ठीक है ना। एक्स या तो बी में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन है मतलब एंड एक्स बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है। इतना करने के बाद रुक जाओ, मुझे पता है कि इसके आगे आपका दिमाग चलेगा नहीं। जब दिमाग नहीं चलेगा तो इसको आर्चर उठा के देख लो। आर्चर में देखा कि हमने ए और बी का यूनियन बनना है ना, कुछ नहीं करना है। जो ये वाला पार्ट है ना, इसको एक बार बी के पास लेके जाएंगे, इसी पूरे पार्ट को एक बार हम सी के पास लेके जाएंगे ब्रैकेट के साथ में। तो हमने देखा कि एक्स बिलोंग टू ए और है ना, और एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू क्या हो गया, बी, और ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब यही वाला पार्ट किसके पास जा रहा है, सी के पास जा रहा है, तो यहाँ पे एंड आ गया, क्योंकि एंड लगा है। तो अब क्या आ गया कि एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। ये चीज़ कौन क्लियर करेगा, ये चीज़ ये पार्ट क्लियर करेगा। देखो ए पहले बी के पास में है, फिर कहाँ पे, सी के साथ में। अब मेरी बात अभी सुना, एक्स ए और है ना, और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो इसको सीधा लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, एंड एक्स बिलोंग टू ए और सी है ना, तो इसको और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, तो ए यूनियन सी में बिलोंग करता है। इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, ये ब्रैकेट वैसे आपको लगाना है तो लगा लीजिए, लगा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्स या तो यहाँ बिलोंग कर रहा है या तो यहाँ बिलोंग कर रहा है। तो इसको लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, एंड है इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। अब मेरी बात देखो, ये पार्ट ये निकल के आ गया। हमने कहाँ से शुरू किया था, इस पार्ट से शुरू किया था, निकल के हमारा क्या पार्ट आ गया, ये पार्ट। इन चीज़ों को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपके समझ में नहीं आएंगी। और कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करना, इससे कम नहीं करना, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो ये है वो इसका सबसेट हो गया और ये वाला उसका सबसेट हो गया। तो इसको लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट, ये किसका सबसेट था, इसका सबसेट था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। या फिर सिमिलरली हम ये क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ये वाला है इसका सबसेट है, मतलब कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये बात है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। हमारा क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकंड पार्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब तो चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर आपने अब तक वीडियो पॉज करके 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया होगा तो। नहीं किया तो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है ना। बहुत क्लियर चीजें, क्योंकि ये चीजें ही ऐसी हैं कि इनको चाहिए प्रैक्टिस, इनको चाहिए पेन कॉपी की प्रैक्टिस। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होगी। रटने वाली चीज कोई नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे, ये पे कोई शक नहीं है। चलो फिर से सॉल्व करते हैं। हमने एक एलिमेंट ले लिया x, वो किस में बिलोंग कर रहा है, इस पार्ट में बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c में बिलोंग कर रहा है। मैं जो चीज जिस पैटर्न पढ़ाता हूँ आपने देखा होगा, उसको मैं हर क्वेश्चन में अप्लाई करता हुआ चलता हूँ, जब तक उस पैटर्न के क्वेश्चन चलते हैं। तो मैं कोई चीज अलग से लेके नहीं आता हूँ कि मैं हर क्वेश्चन में चीजें अलग अलग यूज कर रहा हूँ, नहीं, इसीलिए करता हूँ कि वो चीजें आपको समझ में आ जाए। मैं हर क्वेश्चन में एक नया पैटर्न समझाऊंगा, कुछ नया तरीका सिखाऊंगा, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से। वैसे एक एलिमेंट एक्स लिया, वो जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, फिर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, श्योर हो गए, तो मतलब हो गया एंड, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी में। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आगे की बात, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कर ले। तो इसको मैंने लिखा एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, और ये अंदर आ गया तो यूनियन है ना, यूनियन को क्या लिखते हैं, और x belong to c। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब जरा देखो, a b के साथ भी है,
ए सी के साथ भी है, जो ब्रैकेट हमने खोला है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। अब ए बी के साथ भी है और ए सी के साथ भी है, तो ए पहले बी के पास आ जाएगा, फिर ए किसके पास में आ जाएगा, सी के साथ। तो बाहर वाली चीज पूरी उठ के अंदर जाती है ए के पास में, मतलब ये पूरा पार्ट पहले बी के पास में आएगा, फिर यही पूरा पार्ट सी के पास में आएगा और बी में चलेगा, ठीक है ना। देखो तो हमने लिखा एक्स बिलोंग टू ए एंड ये एक्स बिलोंग टू बी, एक पार्ट में आ गया। अब ये उठ के यहाँ जाएगा तो और बचा है ना, और को लिख दिया। अब इसको लिखा कि x belong to a and x belong to c, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब बात को ध्यान समझो, x a और b दोनों बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग कर रहा है, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, क्योंकि हम श्योर होते हैं जहाँ श्योर होते हैं वहाँ इंटरसेक्शन, सेक्शन एंड, तो x belong to a इंटरसेक्शन b, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। और लगा है और को अभी और ही रहने दो, जब जरूरत होगी तो हम सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू ए एंड मतलब इंटरसेक्शन और सी में, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब देखो, अब x जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है या तो फिर यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x, हटा लेते हैं, x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b और मतलब यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में। तो उम्मीद करता हूँ थ्योरम नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर हो गया होगा। एंड द लास्ट थ्योरम इज थ्योरम 6, दैट इज द डी मॉर्गन लॉ, इट इज वन ऑफ द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम या मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ऑलरेडी मैं इसका डेरिवेशन एग्जांपल से इसके पहले वाली जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पे उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है।